हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इम्यूनोलॉजी का टॉपिक है और इससे पहले हमने इननेट इम्यूनिटी के बारे में स्टडी किया था। तो सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में इननेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। तो इननेट इम्यूनिटी क्या था? ऐसा इम्यूनिटी था जो बर्थ के टाइम पे ही ह्यूमन या फिर एनिमल्स में डेवलप होता है, यानी कि वो इम्यूनिटी जो बर्थ से ही डेवलप होता है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम वैक्सीन्स के थ्रू बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अभी कोरोना आया था, तो कोरोना में हमें वैक्सीन लगाया गया। वैक्सीन लगाने से क्या हुआ? कोरोना के खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से उस बीमारी का हमारे बॉडी में इतने अच्छे से असर नहीं हो पाया। तो ऐसे ही होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम वैक्सीन्स के थ्रू एंटीबॉडी को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। ठीक, तो अब देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें सिनॉप्सिस देखते हैं। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेल ऑफ एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। आज के वीडियो में मैं इस 4 पॉइंट पे डिस्कस करूँगी, बाकी का जो पॉइंट है वो मैं सेकेंड वीडियो में बताऊंगी। फिर भी सिनॉप्सिस को पूरा कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें है पहला ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेकेंड है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। फिर सिक्स में है कंक्लूजन और सेवन्थ में है रिफरेंस। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एंटीजन को सेलेक्ट कर एलिमिनेट करने की कैपेसिटी पाई जाती है। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम फॉरिजन सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानना होता है, एलिमिनेट एंड रिमेंबर करने के लिए एडेप्टेड होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी फॉरिजन सब्सटेंस के अगेनिस्ट रेसिस्टेंस है, जो इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ एक्वायर करता है। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी बनाने में कई दिन लग सकते हैं, इस प्रकार इसमें सोलो रिस्पॉन्स टाइम पाया जाता है। यह हाईली स्पेसिफिक होता है एंटीजन के लिए, इसमें एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। अब आगे देखते हैं। अलग अलग एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। इसमें इम्यूनोलॉजी मेमोरी पाई जाती है, जो एंटीजन को रिमेम्बर करके रखता है तथा सही टाइम आने पर उसी टाइम में एंटीबॉडी को एक्टिव करने का काम करता है। जैसे कि कुछ बीमारी होता है तो हर बीमारी का अलग अलग एंटीबॉडी होता है, तो जो बीमारी जिस टाइम पे आती है उसी के खिलाफ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसमें डाइवर्सिटी विविधता पाई जाती है, क्योंकि ये अलग अलग एंटीजन को पहचानने का कार्य करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में टी सेल, बी सेल एंड एपीसी, पीसी में मतलब क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आते हैं। यह ओनली जॉड वर्टिब्रेट्स में, जिनमें जबड़े होंगे केवल उन्हीं में पाई जाएगी। जितने भी एनिमल जिनमें जबड़े होंगे उनमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी पाई जाएगी। ये पहचानने का अच्छा तरीका है, जिनमें जबड़े दिखाई देंगे उनमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी पाई जाएगी। यह टू टाइप का होता है, नेचुरल इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो सेकंड देखते हैं डेफिनेशन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी फॉरिजन सब्सटेंस के अगेनिस्ट रेसिस्टेंस है, जो इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ एक्वायर प्राप्त करता है। फॉरिजन सब्सटेंस में क्या आता है? जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया, वही इसमें, इसको यहाँ पर फॉरिजन सब्सटेंस बोला गया है। थर्ड में देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम मेनली टू टाइप्स के होते हैं, इननेट और एक्वायर्ड। इनमें एक्वायर्ड के और दो टाइप हैं, जिन्हें नेचुरल इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहा जाता है। फिर इनके दो दो टाइप होते हैं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। इसको हम फॉलो चार्ट से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के टू टाइप हैं, पहला है इननेट इम्यूनिटी और सेकेंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर है एक्वायर्ड के टू टाइप्स होते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी, ये नेचुरली एक्वायर्ड होते हैं, यानी कि ये नेचुरली इम्यूनिटी जनरेट होते हैं।
जैसे कि इसका एग्जांपल होगा इनेट इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में क्या होता है, मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू एक्वायर्ड होंगे, यानी कि वैक्सीन्स के थ्रू किसी इंसान में वैक्सीन्स लगाते हैं, उसके बाद ये इम्यूनिटी एक्वायर्ड होगी। ठीक, तो पहले देखते हैं नेचुरल इम्यूनिटी के टू टाइप्स होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के भी टू टाइप्स होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब देखते हैं इसको थ्योरी के थ्रू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहला है नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी या इम्यूनिटी एंटीजन के अगेंस्ट नेचुरली एक्वायर होते हैं या फिर नेचुरली प्राप्त होते हैं। यह टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। जब कोई पर्सन पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो वह अपना इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है, यानी कि जब पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आएगा कोई पर्सन, उसके बाद इसमें इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है। और सेकेंड है पैसिव इम्यूनिटी। जब कोई पर्सन अनदर पर्सन द्वारा मेड इम्यूनिटी को रिसीव करता है तो इसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। अनदर पर्सन द्वारा मेड इम्यूनिटी, यानी कि दूसरे पर्सन द्वारा जो इम्यूनिटी बनाए रहेगा उसको रिसीव करता है, इसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। बैकग्राउंड से जो साउंड आ रही है आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे घर पर ऐसे साउंड आते रहते हैं। तो सेकेंड नंबर में हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। यह इम्यूनिटी मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू एक्वायर्ड की जाती है या फिर प्राप्त की जाती है। यह टू टाइप्स के होते हैं, इसके भी सेम टाइप्स होते हैं जो नेचुरल इम्यूनिटी में होता है। इसमें भी एक्टिव इम्यूनिटी पाया जाएगा और पैसिव इम्यूनिटी भी पाया जाएगा। तो देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। जब कोई पर्सन वैक्सीनेशन के थ्रू एक्वायर्ड की जाती है या वैक्सीनेशन के बाद अपना इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है तो इसे एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, जब कोई पर्सन अनोदर पर्सन द्वारा मेड इम्यूनिटी को रिसीव करता है उसे पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ये भी उसी के टाइप जैसा है जो नेचुरल इम्यूनिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं फोर्थ, सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो सेल बने हैं उनके डेवलपमेंट का स्टडी करेंगे। चूँकि इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी से न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स इत्यादि के बनने की प्रोसेस का स्टडी करेंगे, जिसे हिमाटोपोइसिस कहते हैं। जनरली हिमाटोपोइसिस को हम क्या बोलते हैं, जो खून का निर्माण होता है उसको हिमाटोपोइसिस बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं सेल। सेल से टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से पूरा सिस्टम का निर्माण होता है। इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स को टू पार्ट में जनरली डिवाइड किया गया है। अब हम लोग को हिमाटोपोइसिस पढ़ने से पहले प्राइमरी इम्यून सिस्टम पढ़ना पड़ेगा एंड देन सेकेंडरी इम्यून सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। तो प्राइमरी इम्यून सिस्टम में क्या क्या आता है, बोन मैरो आता है, थायमस आता है। इससे जो अगला वाला टॉपिक है उस पर हम लोग इसका डिटेल से स्टडी करेंगे, अभी इसको बस थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ना ज़रूरी है। इसे प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी इम्यून सेल्स हैं जैसे न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट इत्यादि, जो भी इम्यून सिस्टम में काम आएगा, चाहे अडेप्टिव इम्यून हो या फिर इनेट इम्यून, वो सब बोन मैरो और थायमस में बनते हैं, इसलिए इसे प्राइमरी इम्यून सिस्टम बोलते हैं। इजी है। और सेकेंड देखते हैं सेकेंडरी इम्यून सिस्टम। स्प्लीन, लीम, नोड्स, म्यूकोसल टिश्यू सेकेंडरी इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ एंटीजन और लिम्फोसाइट्स मिल जाते हैं। सबसे पहले डेंड्राइटिक सेल पैथोजन के पास आएगा, फिर इंगल्फ करेगा, फिर एंटीजन को लगाएगा, फिर स्प्लीन में जाएगा, फिर लिम्फ नोड में जाएगा, फिर लिम्फोइड बी एंड टी सेल रहता है उसमें से टी सेल के पास जाएगा और ये अडेप्टिव स्टार्ट हो जाएगा। इसी को यहाँ साइड में छोटा छोटा डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि पहले पैथोजन होता है डेंड्राइटिक सेल में जाएगा, उसके बाद जो रिसेप्टर आएगा वो इसमें लग जाएगा, पेप्टाइड लेके अपने ऊपर लगा लेगा रिसेप्टर को, उसके बाद सेकेंडरी इम्यून सिस्टम में जाएगा, उसके बाद लिम्फोइड्स प्रेजेंट रहेगा उसमें। लिम्फोइड में क्या क्या सेल रहेंगे, बी सेल रहेगा और टी सेल रहेगा, उसके बाद उसमें से बी सेल में नहीं जाके टी सेल में जाएगा, फिर लिम्फ नोड में, उसके बाद अडेप्टिव इम्यून स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं सेल्स ऑफ अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे सेल पाए जाते हैं जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके सेलेक्ट करते हैं, फिर न्यूट्रलाइज करते हैं,
फिर फाइनली उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखते हैं सेल ऑफ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। सेल होता है फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिकॉग्नाइज करके सेलेक्ट करते हैं, फिर न्यूट्रलाइज करते हैं, फिर डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एंड एंटीजन के अगेनिस्ट डिफेंस करते हैं। सेल टू टाइप्स के होते हैं, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। ल्यूकोसाइट सेल के अंतर्गत मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल सेल, इसेनोफिल सेल आदि आते हैं। ये सभी सेल हिमाटोपोएसिस के अंतर्गत हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल से अराइज होते हैं। हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल HPSC को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, में सेल्फ रिन्यूइंग की कैपेसिटी पाई जाती है, यानी कि ये जो स्टेम सेल है वो बार बार बनते रहता है। हिमाटोपोएटिक में ब्लड के कंपोनेंट जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा बनते हैं। ये ब्लड प्रोडक्शन की प्रोसेस है। तो इससे आगे वाला जो पॉइंट है उसमें हम लोग हिमाटोपोएसिस के बारे में पढ़ेंगे, वो मैं आप लोगों को सेकंड वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग इसको सेकंड पार्ट में देखेंगे, क्योंकि हिमाटोपोएसिस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको मैं एक सिंपल सा डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।